हक सच न्यूज चैनल। चौधरी शाम छावड़ी हाल मकीम स्पेन, चौधरी अरफान अहमद छावड़ी हाल मकीम कुवैत और चौधरी जिशान छावड़ी उर्फ चौधरी शानी के वालदे मोहतरम, चौधरी इम्तियाज अहमद छावड़ी के भाई और चौधरी मोहम्मद इकबाल छावड़ी के कज़न, कोलियाँ शाह हुसैन की मशहूर व मरूफ शख्सियत चौधरी सजाद अहमद छावड़ी जो कि हरकत कलब बंद होने की वजह से वफात पा चुके हैं। इनकी कुल शरीफ का ख़त्म 6 सितंबर बरोज जुमरात को जामिया मस्जिद कोलियाँ शाह हुसैन में पढ़ा गया। ख़त्म शरीफ का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। तलावत कुरान पाक की शहादत काम से हाफिज़ कुरान हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा को मिली। तलावत कुरान पाक के बाद हदिया गुलहाय अकीदत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा और इनके एक साथी ने पेश की। नकाबत के फ़रज़ कोलियाँ शाह हुसैन की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत साबिक हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल डिंगा मियाँ मोहम्मद आरफ साहब ने अदा किए। खसूसी खिताब दौरे हाजिर की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत प्रोफेसर अलामा अरशद ज़िया साहब ने किया। खसूसी खिताब के बाद इज्तमाई दुआ भी प्रोफेसर अलामा अरशद ज़िया साहब ने ही करवाई। चौधरी सजाद अहमद छावड़ी की इलाके में बहुत बड़ी दुआ सलाम होने की वजह से ख़त्म कुल में आने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी। मस्जिद का बहुत बड़ा हाल फुल होने के बाद लोगों से मस्जिद का सेन भी फुल हो गया। डॉक्टर अलामा मोहम्मद अरशद ज़िया
इंशाअल्लाह उन्हां दा बयान सुन के साडे मन ताजे होंगे। मैं फिलहाल बाकी उन्हां दा बयान जिहड़ा है शुरू करना चाह रहा अज ज़्यादा तो ज़्यादा असी उन्हां दीआं गल्लां सुन सकीए। मैं गुजारिश की अब महफ़िल जी भाई सरदार अहमद अचानक डेथ होती हुई है उन्होंने दुआए मफरत की महफल है खुशी की महफल है और अब इस महफल के हवाले या साड़ी जी सारी जिंदगी है सू की करना चाहिए इस हवाले मैं इसी गुफ्तगु करूँ शायद तो मेरी बात मेरे दिल में उतर जाए शायद वो बंदा एक सब लैके खुल जाए उसका मुस्तकबिल बन जाए उसका फ्यूचर बेहतर हो जाए वो अपनी आदत संवार ले। तो मैं दरखास्त कराँगा हजरत आलामा प्रोफेसर डॉक्टर मुहम्मद अर्शद ज़िया साहब जेडे प्रिंसीपल ने दारुल मुहम्मदिया वसिया कोयलिया हुसैन के इस वक्त तकलीफ ने दार के अंदर और सबका प्रोफेसर ने गुजरात यूनिवर्सिटी के पी एच डी स्कॉलर ने उसमें ना जिस्मानी फायदा ना ज़हनी फायदा कुछ फायदा नहीं सवाए वक्त ज़ाया करने उसको पढ़ाने वाला लाभ लाइफ अच्छी बात है खेलना चाहिए बंदे को जिस्मानी वर्जिश होनी चाहिए उसकी कोई भी सूरत हो सकती है ये लाजमी होनी चाहिए छोटा बड़ा जो भी है करे लेकिन लाभ ये गलत है यानी वक्त का ज़िया जो है वो गलत है ऐसी ऐसा खेल जिसमें ना जिस्म का फायदा ना जहन का फायदा ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा सिर्फ वक्त ज़ाया हो या पैसे ज़्यादा जुआ जुआ खेल पैसा ज़्यादा फायदा कुछ नहीं सवाए नफसानी लज़्ज़त थोड़ी देर के लिए वो दिल खुश करने के लिए इतना कुछ हार दिया बीवी के जेवर आ दिए जमीन जायदाद आ दी मकान आ दिया और पता नहीं क्या तो ये गलत है लाभ गलत है लाइफ ठीक है। तो बाद लोगों की ज़िंदगी में लाइफ होता है या खेल कूद जिस्मानी वर्जिश बाद क्या हो चुके लाभ की तरफ चले जाते हैं तो बाद में उसको बिगड़ जाते हैं दो चीज़ें होती है अल्लाह तआला फरमाते हैं या इबादत कर रहा या फिर इसके हालात कस्बे माश में हो या फिर ये वर्जिश खेल कूद बात कर ले अगर और कुछ नहीं करता तो दूसरा कुछ इस तरह का करे ये मोमिन वक्त ज़ाया ना करे मोमिन वक्त ज़ाया ना करे और ना ही सुस्ती और काहली का शिकार कि खाया और सो गया पड़ा रहा नहीं ऐसा मोमिन नहीं हर बंदा बड़ा बनने की कोशिश करता है और बड़े हुए कुछ नकल करने की कोशिश करता है। आओ एक ऐसा काम तुम दसा अगर तुम करो दे दोनों जान जो ने कामयाबी हो जाएगी वो की काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके फरिश्ते जोड़े ने वो की कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद पाक पढ़ रहे असी सारे अगर दुरूद पाक पढ़ाते उसका फायदा की होगा सारू दस नेकियां लगनगियां साढ़े दस गुनाह माफ हो जाएंगे साढ़े दस सजा बुलंद हो जाएंगे या अल्लाह बाप रब्बुल आलमीन
अपने बाप शरीफ का रखिया जो काली माते तेरी बात करेंगे या मैं दुर्गा बाबू ने सबका खैरा किया या कितने दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं मेरी बार अपने हाथ उठाए इनकी अशीज अखबारत में इसके बाद जैन अबाव इजाद में से जो भी इसमें से चला गया सबकी बच्चे को मकसद करना ईमानों में कदर करने की तौफीक अता करना या रब्बल आलमीन इस जिंदगी को जैसे गुजारने का तूने हुक्म किया है उसी तरह गुजारने की तौफीक अता करना हम कमज़ोर हैं हम सुस्त हैं या अल्लाह हमारी कमज़ोरी काहिली पर या अल्लाह बरकत दे या अल्लाह हमें इज्जत और क़ुव्वत अता करना या रब्बल आलमीन नेकी की तौफीक अता करना या अल्लाह नेकी की तौफीक अता करना बुराई से बचने की तौफीक अता करना या अल्लाह हमारा इदारा या अल्लाह दारुल उलूम मोहम्मदिया औसिया कोनिया शाह हुसैन जो मरकज़ी दारुल उलूम मेरा शाह है या अल्लाह उसको आबाद व शाद करना जो दोस्त उसके लिए तआवुन करते हैं उनके घरों को आबाद व शाद करना जामिया मस्जिद हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नामों पर या रब्बल आलमीन इन नामों की बरकत हमें अता फरमा या अल्लाह इन नामों की बरकत हमें अता फरमा हमारे मरकज को मस्जिद को या अल्लाह हमें अपने सज्दों के साथ हमेशा आबाद करने की तौफीक अता फरमा उसके साथ हर चर के तआवुन करने की तौफीक अता फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिन्होंने इस हक सच यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त इस वीडियो के देखने के बाद अभी इस हक सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी और आल के ऑप्शन को टच कर दें ताकि इस पर चलने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचनी शुरू हो जाए। इस चैनल पर कोई भी खबर इश्तहार और वीडियो चलवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें।